हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेस तृप्ति पंकज पवार एंड वी आर गोइंग टू लर्न योर इंग्लिश बार भारती चैप्टर नंबर 7 मेजर ध्यानचंद। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश बाल भारती सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। लुक एट द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को देखने के बाद पता चलेगा कि ये जो पिक्चर है वो मेजर ध्यानचंद जी का है, जो कि एक बहुत ही बड़े हॉकी प्लेयर है। तो यह लेसन जो है, यह चैप्टर जो है, आपको इनके ही आत्मकथा से संबंधित या इनकी ही बारे में लिखा गया है। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। Saturday 15 August 1936, it was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin. 15 August 1936 को शनिवार था। इस दिन बर्लिन जर्मनी में एक ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके दौरान हॉकी फाइनल का दिन था। इस दिन हॉकी फाइनल का मैच होने वाला था। जर्मनी हैड defeated several teams to enter the finals against the Indian team. तो जर्मनी जो टीम थी वो भारतीय टीम के खिलाफ फाइनल में प्रवेश करने के लिए कई टीमों को हराया था। जर्मनी जो थी उसने भारतीय टीम के खिलाफ फाइनल में खेलने वाली थी और उसने उस फाइनल में खेलने के लिए बहुत से टीमों को हरा कर उस फाइनल तक पहुँची थी। They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. वे ओलंपिक के मेज़बान थे। मेज़बान अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में होस्ट, इसका मतलब होता है मेज़बान। मेज़बान अर्थात कि वो वहीं के रहने वाले थे जहाँ पर ओलंपिक होने वाला था, और उन्हें यकीन था कि वो जीतने ही वाले हैं। अर्थात जब अपने घर में होता है तो उसे लगता है कि मेरी ताकत यहाँ पर अच्छे से काम आएगी, जिसकी वजह से उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो विजय प्राप्त कर लेंगे। Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. शायद ये इसी वजह से उनके जो शासक थे जिनका नाम हिटलर था वो खुद भी मैच देखने के लिए आए हुए थे। आगे पढ़ेंगे। Next paragraph. All the day before it had rained heavily. जिस दिन मैच था 15 अगस्त को, उस दिन पूरे दिन भर भारी बारिश हुई हो रही थी। द इंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉगेड बट 15 अगस्त बिगिन द लास्ट डे ऑफ द गेम। पूरे मैदान में पानी ही पानी हो गया था। वाटर लॉगेड मतलब पानी का फैल जाना, पूरा पानी जो था वो मैदान में, फील्ड मतलब मैदान, तो मैदान में पूरा पानी जो था वो फैल चुका था। लेकिन बट 15 अगस्त के दिन खेलों का आखिरी दिन होने के कारण मैच जो था वो उसी समय स्थगित नहीं किया जा सकता था। इट इज़ वॉट नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर। द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच एंड दे वेयर नॉट वेरी कम्फर्टेबल विथ द वेट ग्राउंड। जो भारतीय टीम थी उस पर थोड़ा दबाव था, क्योंकि उनके लिए ये देश भी नया था जहाँ पर वो खेलने वाले थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि वो वहाँ पर कम्फर्टेबल अर्थात कि वो वहाँ पर बिल्कुल उनको बहुत सहज नहीं हो पा रहे थे उस मैच पर। इसलिए भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव होने की वजह से वो अभ्यास मैच में जर्मनी से हार गए थे, और अभ्यास मैच में हारने की वजह से वो गीले मैदान के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में है। अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम टू चीयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया।
तो भारत के खिलाफ जर्मनी को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 40,000 लोग वहां पर हॉकी स्टेडियम में जमा हुए थे। द महाराज ऑफ बड़ौदा स्टेट द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड फ्यू अदर इंडियंस हैड ऑल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम्स। तो कुछ इंडियन टीम्स को भी वहाँ पर जो समर्थन करने के लिए आए थे उसमें बड़ौदा के महाराज थे, भोपाल के राजकुमार और कुछ अन्य भारतीय टीम को प्रोत्साहित करने के लिए उनके समर्थक भी वहाँ पर आए थे। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। तो मैच ठीक 11 बजे शुरू हुआ। द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवल स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासिस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। जर्मन टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ कम दूरी की भारतीय तकनीक का उपयोग करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई थी। किसी भी टीम को जीतने के लिए अपनी रणनीति बनी होती है, उसी प्रकार से जर्मनी ने भी अपनी रणनीति को बनाया, भारतीय टीम ने बनाया था। अब आगे है, दे हैड स्टार्ट टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले। तो उन्होंने बहुत ही आक्रामक खेल का प्रयोग लिया था। जो जर्मन टीम थे वो बड़े ही आक्रामक रूप से खेल रही थी। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो भारतीय टीम समान रूप से मजबूत प्रतिरोध की पेशकश कर रही थी, अर्थात वो पूरे अपने जोर लगाकर प्रतिरोध के रूप में काम कर रही थी, अर्थात अपने खेल रही थी। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर ड्यूरिंग द 32 मिनट्स। तो पहले आधे घंटे के दौरान कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, अर्थात जब आधा घंटा हुआ तब तक किसी भी टीम ने गोल नहीं किया था। 32 मिनट्स के दौरान क्या हुआ, रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट एंगल। तो वहाँ पर एक सिंह नाम के जो हॉकी प्लेयर थे उन्होंने एक कठिन कोण से गोल पोस्ट की ओर गेंद को मारते हुए गोल कर दिया। टूवर्ड गोल पोस्ट मतलब कि जो गोल पोस्ट होता है जहाँ पर बॉल को फेंकना होता है वहाँ पर उन्होंने गोल किया। आगे है, आगे जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। अब इन द सेकेंड हाफ हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फ्रीम फूटिंग। तो मैच के दूसरे हाफ में जब मैच चालू हुआ तो उसके दूसरे हाफ में क्या हुआ कि भारतीय टीम ने मजबूती से पैर जमाए, अब वो खेलने लगी थी अच्छे से, उन्हें अब कॉन्फिडेंस जो लेवल था उनका बढ़ने लगा था। द इंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more goals अगेंस्ट जर्मनी। तो पूरी टीम ने एक साथ में खेला और जर्मनी के खिलाफ 3 और गोल किए। यूनिटी के साथ उन्होंने खेल रहे थे, जो भारतीय टीम थी वो एक यूनिटी होकर खेल रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने और 3 गोल जो थे वो जर्मनी के अगेंस्ट कर दिए। 2 of them वेयर मेड बाय द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद। अब जो उनमें से 2 भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ने बनाए, मतलब जो 3 गोल भारतीय टीम ने किए थे उनमें से जो 2 गोल थे वह ध्यानचंद जी ने किए हुए थे। हाउएवर द जर्मन प्लेयर्स वेयर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन, दे टू सक्सेस इन मेकिंग 1 गोल। तो इसके वजह से जर्मन खिलाड़ी भी अपने स्तर पर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरह से अपना जो जोर थे वो लगा रहे थे।
लगा रहे थे. दे टू सक्सेस इन मेकिंग वन गोल. वे भी एक गोल करने में सफल रहे. जब भारतीय टीम ने 3 गोल कर दिए तो जर्मनी ने भी अपने पूरे प्रयास करते हुए 1 गोल करके दिखाया. नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेयर लेफ्ट. ध्यानचंद हैड रिजोल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउिंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स. तो अब केवल कुछ अंतिम मिनट बचे थे. यहाँ पे दिया है लास्ट मिनट वेयर लेफ्ट. अंतिम मिनट जो बचे थे ध्यानचंद ने जर्मनी को और अधिक गोल करने की अनुमति दिए बिना किसी भी कीमत पर मैच जीतने का संकल्प लिया. अर्थात ध्यानचंद जी ने जर्मनी को एक भी गोल बनाने का मौका नहीं दिया. ठीक है, आगे है. ही स्पाइक शूज वेयर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड. तो वेट ग्राउंड, तो जो ध्यानचंद जी के जो जूते थे उनके नुकीले जूते गीले मैदान पर तेजी से दौड़ना उनके लिए मुश्किल बना रहे थे. जो उनके जूते थे वो नुकीले थे, गीले हो गए थे. गीले होने इसके वजह से वो जो मैदान में वो भागने में असफल हो रहे थे, मुश्किल हो रहा था उनके लिए. टू मोर गोल difficult for him to run fast on the wet ground. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जूते और मोजे उतार दिए और नंगे पैर से दौड़ने लगे. Using the amazing skill of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in the D, that is in the defenders or opponents areas from where they could make goals. अब dribbling और अपने जादुई खेल के पास की वजह से उनके अद्भुत कौशल, जो उतने मेहनत से वो खेल रहे थे, इतने बहादुरी से वो खेल रहे थे, उन्होंने अपने जूते भी निकाल दिए थे, तो इनके अद्भुत कौशल का उन्होंने अपना उपयोग किया और उन्होंने डी में खिलाड़ियों के लिए एक के बाद एक पास भेजना शुरू कर दिया. मतलब वो कि केवल बॉल को अपने पास नहीं रखते थे बल्कि सभी की ओर भेजते थे. अर्थात रक्षकों को या विरोधियों के क्षेत्र में जहाँ से वो लक्ष्य बना सकते थे, उन्हें लगता था कि जहाँ से वो लक्ष्य बना सकते थे वो वहाँ पर बराबर अपने बॉल को पास करते जा रहे थे. दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट. तो उन्होंने भी पास को बेकार नहीं जाने दिया. जब भी उनके पास बॉल आता उसे वो बेकार नहीं जाने देते. द इंडियन टीम स्कोर 3 मोर गोल्स. अब भारतीय टीम ने 3 और गोल कर दिए. ध्यानचंद कुड हैव इजीली मेट द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजिशन बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम. उन्होंने कभी भी स्वार्थी खेल नहीं किया था. ध्यानचंद जब अपने लक्ष्य को आसानी से गोल कर सकते थे तभी भी उन्होंने क्या किया, कभी भी स्वार्थी खेल नहीं खेला. स्किलफुली ही टूक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल. अब उनके कुशलता से उन्होंने गेंद को जर्मनी के रक्षकों से दूर कर लिया. अर्थात जर्मनी के जो प्लेयर्स थे उनके पास वह बॉल को पहुंचने नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से डी में खिलाड़ियों के लिए गोल करना संभव हो गया था. जो ध्यानचंद की टीम थी, भारतीय टीम थी, वह आसानी से गोल कर पा रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे. द जर्मन स्ट्रेटजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस. तो जर्मन रणनीति क्या हो गई, अब बेकार हो गई. उन्होंने जो रणनीति बनाई थी अब वो क्या हो रही थी, बेकार साबित हो रही थी. ही डिफेटेड स्टार्टेड देम इन द फेस. अब उनके चेहरे पर हार दिख रही थी. सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर्स देन रिसोर्ट टू अ रफ गेम. अब जो निराश जर्मन थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे अपनी हार की वजह से, अब वो क्या करने लगे थे, खिलाड़ियों से कुछ रूखा खेल खेलने लगे थे. अर्थात वह अब सही ईमानदारी से नहीं खेल रहे थे, रूखा होकर उन प्लेयर्स के साथ में वो खेल रहे थे. आगे पढ़ेंगे हम. द जर्मन गोलकीपर्स पॉन्सेट
ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। अब वो क्या कर रहे थे, जर्मन गोलकीपर वो ध्यानचंद पर निशाना साधकर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, हर्ट हिम। बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर, जो ध्यानचंद थे वो सच्चे सैनिक थे, सच्चे सिपाही थे वो। तो उन्होंने आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमिडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टर्स स्पेल बाउंड विथ हीज गेम। अब उनको जैसे ही उन्हें चोट पहुंची तो वो क्या करते थे, थोड़ी सी प्राथमिक चिकित्सा अर्थात प्राथमिक फर्स्ट एड मतलब थोड़ा सा अपना बैंडेड वगैरह कर लेते थे और वह तुरंत मैदान पर लौट आया करते थे और दर्शकों को अपने खेल से मंत्रमुग्ध कर देते थे। कि जैसे ही सब लोग देखे देखे कि ये कितने बहादुरी से खेल रहे हैं तो सभी उनके खेल को देख के क्या हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्यू टू अ क्लोज। अंत में जैसे ही खेल खत्म होने के करीब आया तो उन्होंने मैच का आखिरी गोल कर दिया। अब उन्होंने क्या, आखिरी जो गोल था वह कर दिया क्लोज, ड्यू टू अ क्लोज। द इंडियन टीम हैड वन थर्ड टाइम इन अ रो। अब जो इंडियन टीम थी उसने तीसरी बार जीत हासिल की, दर्ज करा ली थी वहाँ पर। इट वॉज अ हैट्रिक, इंडियंस वेयर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। अब ये भारतीय जो भारतीय प्लेयर्स का क्या थी, हैट्रिक थी, क्योंकि उन्होंने तीन लगातार मैचें जीत ली थी जिसके वजह से भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक के तीसरे बार विजेता बन चुके थे, अर्थात तीन बार उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, एड टू खिल्टर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर और ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद्स गेम। हालांकि हिटलर ने मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़ दिया था लेकिन वह ध्यानचंद के खेल को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस अर्थात प्रभावित हुए थे। इट इज सेड दैट द जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद अ हायर सैलरी रैंक इन द जर्मन आर्मी इफ ही एग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर। अब जो हिटलर जब उन्हें के मैच को देखा तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ और ऐसा कहा जाता है कि जर्मन जो तानाशाह था बहुत ही ज़्यादा, हिटलर को तो आप सब लोग जानते हैं तानाशाही के नाम के रूप में उन्हें जाना जाता है, वो बहुत क्रूर था ऐसा माना जाता है, फिर भी उन्होंने ध्यानचंद को जर्मन सेना में एक उच्च वेतनमान रैंक अर्थात एक उच्च सैलरी देने का विचार बनाकर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। अगर वह जर्मनी की ओर से खेलते तो उन्हें सहमत हो जाते तो ध्यानचंद को एक बड़ी सी सैलरी प्राप्त होती, पर लेकिन बट ध्यानचंद ने प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया, टर्न डाउन द ऑफर। नेक्स्ट, आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक हिटलर हिटलर अवार्ड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। तो ओलंपिक में मनाई गई जीत के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को एक विशेष स्वर्ण पदक से क्या किया, सम्मानित किया, वो बहुत खुश हुए थे जिसकी वजह से ध्यानचंद को उन्होंने एक अलग से स्वर्ण पदक दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू मे बी अवार दैट हॉकी इज अवर नेशनल स्पोर्ट। आपको ज्ञात होगा कि हमारा जो हॉकी है वो हमारा एक राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एडिशनल नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। तो जो दिल्ली में प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्टेडियम है जिसका नाम उनके नाम से रखा गया है, नाम महान नायक ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। हु नोज परहैप्स वन ऑफ यू मे कैरी द लेजेंसी ऑफ ध्यानचंद फॉर दैट एंड विन ग्रेट ग्लोरी ऑफ अवर कंट्री। तो
कौन जानता है कि शायद आप में से कोई ध्यानचंद की विरासत को आगे बढ़ाया था। जैसे ध्यानचंद जी ने काम किया हमारे देश के लिए, वैसे कोई कर पाता आपके जैसा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, हमारे देश के लिए महान गौरव आप प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार देश के लिए, जिस प्रकार ध्यानचंद ने देश के लिए कार्य किया, उसी प्रकार देश के लिए खेले, उसी प्रकार आप भी खेल सकते हो या आप भी कुछ कार्य कर सकते हो। आगे जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें दी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें का पैराग्राफ पढ़ेंगे। द लाइफलेस हॉकी स्टिक्स यूज टू कम अलाइव इन द हैंड्स ऑफ ध्यानचंद। तो ध्यानचंद के हाथों में जब बेजबान अर्थात जो बोल नहीं सकती, लाइफलेस मतलब जिसमें जीवन नहीं है, उसमें उस स्टिक में उस हॉकी की जो हॉकी का ये होती थी स्टिक, उसमें भी क्या आ जाती थी, जान आ जाती थी। व्हेन ही ट्रिबल्ड द बॉल जस्ट वुड नॉट लीव हिज स्टिक। उनकी जो लाठी थी, कुछ लोग ने उनकी लाठी चुरा कर उसे तोड़ भी दिया था, यह देखने के लिए कि उसमें कोई विशेष। Would not leave his stick. Some people even stole his stick and broke them open to see were there they contained a special glue of magnet. तो बहुत से लोगों ने उनकी जो लाठी थी उसे चुरा लिया था, चुरा कर उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि उसमें कुछ जादू या कोई विशेष गोंद या चुंबक तो नहीं है। ध्यानचंद वॉज इवन मैड टू प्ले विथ अदर ऑर्डनरी स्टिक्स, बट इवन देन हीज प्ले वॉज कैरिस्मेटिक एज एवर। तो ध्यानचंद को अगर अन्य साधारण छड़ी भी दे दी जाती थी तो वह उसके साथ भी खेल लिया करते थे, लेकिन तब भी वो उनका खेल हमेशा करिश्मा ही दिखाता था। अर्थात वो इस प्रकार से खेलते थे कि अगर उनको साधारण छड़ी भी दे दी जाए तो उसे भी वह अच्छे से अपने हॉकी को खेल लेते थे। नेक्स्ट बॉक्स का पढ़ेंगे पैराग्राफ। ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह। तो ध्यानचंद्र जी का जो असली नाम था वो ध्यान सिंह था। ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना के एक सैनिक थे। ही कुड नॉट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ही यूज टू बी बिजी ऑन हिज ड्यूटी एज अ सोल्जर। उन्हें अभ्यास करने का ठीक से मौका नहीं मिल पाता था, के दौरान अपने खेल का अभ्यास नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य पर क्या रहते थे, व्यस्त रहते थे। दैट इज व्हाई ही यूज टू प्रैक्टिस एट नाइट एट मूनलाइन। इसीलिए वह, यही कारण था कि वह चांदनी रात में भी अपने अभ्यास को करते थे। इट इज बिलीव दैट हिज कोच फॉन्डली बिगेन टू कॉल हिम ध्यानचंद। इसीलिए उन्हें चांदनी रात में काम करने की वजह से, प्रयास करने के वजह से, कि यही कारण था कि वह चांदनी रात में अभ्यास करते थे, ऐसा माना जाता है कि उनके जो कोच थे उन्होंने ध्यानचंद यानी चांद कहना शुरू किया था। चांद मीनिंग मून, द नेम सेव्ड विद हिम अर्थ। चंद का मतलब होता है चांद, इसीलिए उन्हें उनका नाम साथ में लिया जाता था और उन्हें ध्यानचंद के नाम में बोला गया, यही नाम उनके साथ हमेशा के लिए रहा। सो चिल्ड्रंस योर चैप्टर इज फिनिश। सो आपको इसे घर पर रीड करना है, इसके डिक्टेशन को आपकी नोटबुक पे लिखना है और लिख कर उसे लर्न भी करना है। सो चिल्ड्रंस गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।